पकड़ लिया अपना मुर्गा, ये वाइट आया जैसा कि आपने पहले व्लॉग में देखा होगा, लेकिन हमने कलर किया हो इसे, वो देखे। और ये सबसे बड़ा माशाल्लाह, तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी हाइट है जिसको इसने छोटी सी उम्र में ऊपर ये और ये सबसे बड़ा और मेरा फेवरेट है, यानी कि एक ही कलर है इसका, इसका एक ही कलर है, इसका भी एक, इसका है, भी एक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अवैस राजपूत, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवैस राजपूत व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपने पूरा ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चले फिर करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारा जो बड़ा वाइट एटीट्यूड बॉय है और हमारी एक असील मुर्गी है, वो दोनों छत पर ही हैं। और पहले जो असील मुर्गा था, हमने असील मुर्गी के साथ रखा हुआ, वो था रेड और उसमें वाइट, जैसे कि ये अब छोटे बच्चे हैं। तो जो वाइट चूज़ है, वाइट मुर्गा हमारा एटीट्यूड बॉय, उसके बच्चे भी आपको हम दिखाते हैं। और जो हमारा पहले असील मुर्गा था जो कि हमने सेल कर दिया, तो उसके भी हम आपको दिखाएंगे। तो चले फिर आपको दिखाते हैं कि अपने एटीट्यूड बॉय के जो बच्चे हैं और जो हमने मुर्गा सेल कर दिया असील मुर्गा, उसके बच्चे। तो चले फिर दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से इनके बच्चे हैं, कई मुर्गी और बच्चे, इन्हों में से जो ये एक बड़ा वाइट है ये वाला, ये और एक ये वाला वाइट, एक ये वाला वाइट और एक ये वाला, ये जो है ये चार वाइट जो हैं हमारे एटीट्यूड बॉय के बच्चे हैं। और जो हमने मुर्गा सेल कर दिया था वो था मुर्गी के कलर का, लेकिन वो बड़ा था और इसमें वाइट भी कलर था। और उसके बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, चार हैं एटीट्यूड बॉय के और ये रहा एक दो तीन और ये चार पाँच और ये रहा छः बच्चे जो हमने मुर्गा सेल कर दिया उसके हैं। और जो चार बच्चे हैं वो हैं एटीट्यूड बॉय के। जो है टाइम हो चुका है तकरीबन 5 बजे का, अभी इनको सुबह डाइट दी थी और इनको भूख लगी हुई है, जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ ये जा रहे हैं, अभी इनको डाइट देनी है। तो डाइट में क्या देते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले अपना जो है मुर्गा, जिसे एटीट्यूड बॉय का नाम दिया था पिछले व्लॉग में आप देखा आपने, और वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके जो चार बच्चे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, लड़के जो चूज़ा वो बड़ा है सबसे, और यहाँ से छलांग लगा के वो ऊपर चढ़ चुका है, माशाल्लाह सबसे बड़ा और जवान हो चुका है ये देखें। और बाकी अभी छोटे हैं, वो ऊपर नहीं जा सकते, और वो देखें, और ये सबसे बड़ा है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी हाइट है जिसको इसने छोटी सी उम्र में ऊपर ये और है। ये सबसे बड़ा और मेरा फेवरेट है, यानी कि एक ही कलर है इसका, इसका एक ही कलर है, इसका भी एक, इसका है। भी एक है। और अभी जो अपना मुर्गा पकड़ते हैं, और अवैस का पार्टनर, अवैस का पार्टनर समीर भी आ चुका है। अभी जो है पकड़ लिया अपना मुर्गा, ये वाइट आया जैसा कि आपने पहले व्लॉग में देखा होगा, लेकिन हमने कलर किया हुआ इसे भी जो है ना, वाइट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था और इस कलर में भी बहुत खूबसूरत है एटीट्यूड बॉय। समीर हमने जो पहला मुर्गा वो सेल करके ये नया लिया, वो जो वाइट था ना वो सेल कर दिया, अभी ये नया लिया है, या वही है, कितने रुपए का होगा वही नहीं है, न्यू लिया है देखे, वो तो वाइट था सारा, ये देखे तीन चार कलर है इसके यार, ये देखे वो इसका रेड कलर भी है, वो तो सारा वाइट था, उसकी टांगे भी वाइट थी, अब इसकी रेड है। उसको पता है, उसको पता है भाई। अभी मुर्गा हमने पकड़ लिया, अभी इसके जो है ना वाइट कलर के जो बच्चे हैं वो पकड़ते हैं, जो चार पहले आपको बताए हैं, आ जाए एक ये वाइट, एक वो वाइट, दो और ये तीन, ये जो तीन है वाइट ये पकड़ने, बाकी नहीं पकड़ने, एक मैं पकड़ता हूँ, एक ये होगा, ये भी पकड़ना, और ये वाइट नहीं है, ये पकड़ो ना, ये पकड़ो, ये पूरे हो गए वाइट हमारे, दो मुझे पकड़ा दो, ये तो मुझे पकड़ा दो, ये जो बाकी रह गए ना ये मुर्गी का कलर इन पे साथ में पकड़ो, रेड और जो हमारा मुर्गा था पहले लिया था असील, तो ये उसके कलर, उस कलर के हैं देखें, ये सारे सेम कलर के हैं, इनमें रेड और ब्लैक कलर आ जाएगा जब ये बड़े हो जाएंगे। और ये रहे हमारे सारे वाइट कलर के, ये हमारी कोशिश है कि हीरा ब्रीड असील होते हैं जो
और हीरा ब्रीड असील होती है वो तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अलहदा अलहदा केज बनाने पड़ेंगे, अभी हम ये जब बड़े हो जाएंगे अलहदा अलहदा पेयर बनाने पड़ेंगे, देखेंगे इनमें कितनी मुर्गियाँ और कितने मुर्गियाँ, वो बहुत का मसला है। और ये रहा इनका फादर जो कि अब रंगीला हो चुका है, लेकिन ये फुल वाइट था पहले, और ये रहे उसके बच्चे। आ जाएं आपको क्लियर वाजिया बताते हैं, इधर आ जाए। ये रहा वाइट, इसको छोड़ दो। और एक इनमें ये बड़ा है वाइट, और एक ये बड़ा है अभी इसकी। ये देखें माशाल्लाह सारा सारा कलर वाइट है। समीरा आपने नहीं छोड़ने, ये इसका सारा कलर वाइट है और इसका भी सारा कलर वाइट है। ये एक बस इसका जो है ना वो ब्लैक कलर का निकल है। और ये रहा इनका फादर, ये जो जा रहा है उनकी तरफ, ये भी वाइट था फुल, और ये भी वाइट, और ये भी दोनों वाइट है माशाल्लाह। तो हमारी मर्ज़ी ये है कि एक फ़ीमेल हो और एक मेल हो, तो इनका जो है ना अलहदा से सेटअप बना के जो आगे से बच्चे निकले वो भी वाइट कलर के हों। पकड़ो आप यार बाल्टी नीचे से पानी भर के ले के आओ। हाँ फुल ताज़ा। अभी समीर और अवैस को भेजा नीचे से पानी और इनका खाना लेकर आए, इनको यार सख्त भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह का जो है ना हमने इनको कुछ नहीं डाला हुआ। ये देखें पानी भी नहीं है, सुबह डाली थी डाइट मैंने खुद, लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो चुका है। ये देखें इकट्ठे हो रहे हैं मेरे पास सारे, और इनको डाइट वगैरह देते हैं, और जो है ना वो ताज़ा पानी ले आया नीचे से ठंडा, और अवैस इनके लिए जो है वो चावल ले आया, चावल इनके फेवरेट है, और बाद में इन्हें सब्ज़ा डालेंगे बरसीम हमने जो काट के रखा हुआ है नीचे, और पहले चावल डालते हैं। आ जाओ देखना कैसे ये टूट पड़ते हैं खाने पे, भूख लगी हुई है। यहाँ पे डालो, सारे डाल दो सारे, यारे सारे लग चुके हैं। सवेरा पानी डाल दो इसमें, इसमें पानी डाल दो, फुल कर दो ऊपर तक, चले सही होगा। बाकी वो एक साइड पे रखा हो वो जो मिट्टी का केज है, ताकि ये बड़े चूजे जो है ना वो पी लें। अभी पानी भी डाल दिया और इन्हें जो है ना चावल भी डाल दिए, मुर्गी पानी पी रही है और बच्चे उसके जो है ना वो चावल खा रहे हैं। अभी डाले हैं, ख़त्म कर दिए हैं, यार कितनी भूख लगी हुई है इन्हें। तो ये मैंने चावल डाल दिए हैं, उन्हें से उसका पेट नहीं बढ़ा, तो इसलिए मैं उन्हें के लिए बस। हाँ ये देखना ये भी खाएंगे, बहुत शौक से खाते हैं ये भी। अभी चावल इन्होंने खा लिए हैं, अभी ये जो है सब्ज़ा भी खा लेंगे, और इनकी जो डाइट वो बैलेंस रहेगी। ये रोज़ाना हम डाल देते हैं, हमारे पास पड़ा होता है जो है ना, तो काटा हुआ पड़ा होता है, ये बरसीम की फसल है जो बरसीम है, तो क्योंकि जो दूसरे जानवर रखे हुए हैं उन्हें डालना होता है भैंस वगैरह को, तो इन्हें भी डाल देते हैं साथ। ये एक तो इनमें काफ़ी जो है सब्ज़ी में प्रोटीन वगैरह होते हैं जो इन्हें चाहिए, इनकी ज़रूरत है। और दूसरी जो डाइट है वो गंदम के दाने, बाजरा और कभी कभार चावल डाल देते हैं। तो अभी पानी भी डाला है, तो अभी जो है ना वो पानी भी पी रहे हैं। वाइट छोटे चूजे थे, हमने आपको बता दिए, तो जब ये बड़े होंगे तो अब हम इन्हें अलग-अलग केज में रखेंगे, वाइट अलग और जो रेड हैं वो अलग, ताकि इनकी जो आगे भी ग्रोथ होगी नस्ल की वो भी वाइट हो, क्योंकि मुझे और मेरे भाई को वाइट कलर के असील जो मुर्गे हैं वो बहुत पसंद हैं। तो आपको अगर आपने आप कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बतानी है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।